Another question of chapter number 13, hydrocarbons. In this video, I'm going to explain you question number 13 and it's on page number 397. Mark it. Fine, so let's begin with the solution. It's class 11, NCERT text. Fine, so question to this video is, how will you convert benzene into these of the following compounds? First, para-nitrobromobenzene. Second, meta-nitrochlorobenzene. Third, para-nitrotoluene, and the fourth, acetophenone. Okay, so let's begin with the solution. I'll be solving the first part of this question and then rest of the part. So focus on the first part. Okay, solution. First part, kya hai? We need to convert benzene into what? Benzene ko kisme convert karna hai? Para nitro bromo benzene. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टू कन्वर्ट. बेंजीन लेते हैं सबसे पहले. ठीक है, इसमें ऐड करते हैं ब्रोमीन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, पहले मैंने बेंजीन लिया उसको ट्रीट किया ब्रोमीन के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3 हमें मिला ब्रोमोबेंजीन. ठीक है, व्हाट वी गॉट इज ब्रोमोबेंजीन. ओके, मूव ऑन फर्दर. इसको मैं ट्रीट करूंगी, इस ब्रोमोबेंजीन को आई विल बी ट्रीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. और टेम्परेचर क्या होगा? 323 to 333 केल्विन. ठीक है, सो इस ब्रोमोबेंजीन को आई विल ट्रीट नाउ विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड द टेम्परेचर विल बी 323 to 333 केल्विन. तो हमें मिलेगा यहां ब्रोमीन, वी विल गेट पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन प्लस ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन. ये है मेरा पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन और ये है मेरा ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन. ठीक है, मुझे ये दो कंपाउंड्स मिले हैं आफ्टर नाइट्रेशन. सी, दिस इज द नाइट्रेशन प्रोसेस ओनली. कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को जब हम किसी भी कंपाउंड में ऐड करते हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग द नाइट्रेशन ऑफ दैट कंपाउंड. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आई एम डूइंग द नाइट्रेशन ऑफ ब्रोमो बेंजीन. तो जब मैंने ब्रोमो बेंजीन की नाइट्रेशन की तो मुझे दो कंपाउंड्स मिले, दे वर पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन एंड ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन. लेकिन मुझे बेंजीन को कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन में और मुझे मिले क्या? दो कंपाउंड्स, पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन एंड ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन. तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी? अब मैं ये, मेरे को जो ये दो कंपाउंड्स का मिक्सचर मिला है, मुझे दो कंपाउंड्स का मिक्सचर मिला है पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन और ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन. तो अब मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दूंगी. आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो पढ़ा ही होगा अपने 12th चैप्टर के अंदर, है ना? तो अब ये जो मेरे पास दो कंपाउंड्स के मिक्सचर आए हैं, इनकी मैं क्या कर दूंगी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट आर एक्चुअल कंपाउंड विच इज पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन. ठीक है, सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन. ये मेरा बेंजीन है टू पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस और द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग बेंजीन इनटू पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बाय दीज ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स.
पहले ट्रीट करेंगे ब्रोमीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3, हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन की हम नाइट्रेशन करेंगे कैसे, बाय कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट टेम्परेचर ऑफ 323 to 333 केल्विन। हमें मिले दो कंपाउंड्स, पैरानाइट्रोब्रोमोबेंजीन और ऑर्थोनाइट्रोब्रोमोबेंजीन। इसकी हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की और वी गॉट एंड एट लास्ट वी गॉट अवर मेन कंपाउंड व्हिच इज पैरानाइट्रोब्रोमोबेंजीन। ठीक है, सो दिस वाज द कन्वर्जन रिलेटेड टू फर्स्ट पार्ट फ्रॉम बेंजीन टू पैरानाइट्रोब्रोमोबेंजीन। नाउ आई विल डू द सेकेंड पार्ट इन विच आई हैव टू कन्वर्ट बेंजीन इंटू मेटानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, सो प्लीज पेन डाउन दिस कन्वर्जन। आई विल बी नाउ सॉल्विंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट मीन्स बेंजीन इंटू मेटानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इंटू मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्जन। मैंने लिया बेंजीन, सबसे पहले मैं इसकी नाइट्रेशन कर देती हूं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, मैंने इस बेंजीन में ऐड किया है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इनको हीट किया एट अ टेम्परेचर ऑफ 323 to 333 केल्विन। ठीक है, मैंने बेंजीन लिया, इसको मैंने नाइट्रेशन में डाला, बेंजीन की नाइट्रेशन की कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में एट टेम्परेचर ऑफ 323 to 333 केल्विन और मुझे मिला नाइट्रोबेंजीन। मुझे क्या मिला, एक नाइट्रोबेंजीन मुझे मिल गया, इट इज नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब इस नाइट्रोबेंजीन को आई विल बी ट्रीटिंग विद व्हाट, आई विल बी ट्रीटिंग दिस नाइट्रोबेंजीन विद Cl2, दैट मीन्स क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। दैट मीन्स अब मैं इस नाइट्रोबेंजीन को ट्रीट करूंगी क्लोरीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब मुझे मिल जाएगा मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। NO2, यहां पर क्लोरीन, सो इट इज वॉट, इट इज मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इंटू मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नाउ प्लीज पेन डाउन दिस कन्वर्जन। आई विल बी डूइंग द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कन्वर्टिंग बेंजीन इंटू पैरानाइट्रो टोलुइन। ठीक है, प्लीज नोट डाउन इट। बेंजीन को कन्वर्ट किया किसमें, पैरानाइट्रो टोलुइन, पैरा नाइट्रो टोलुइन के अंदर कन्वर्ट करना है मुझे। तो आई एम हैविंग बेंजीन, मैं इसकी सबसे पहले बेंजीन की क्या करूंगी, एल्काइलेशन करना चाहूंगी बेंजीन की। और एल्काइलेशन किससे करते हैं, कैन एनीबडी टेल मी किससे हम एल्काइलेशन करते हैं, मैं बताती हूँ। आई विल ट्रीट दिस बेंजीन विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ वॉट, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, दैट मीन्स ही, अब देखिए मैंने बेंजीन लिया अपना, दिस इज द बेंजीन, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, यहां पर एल्काइलेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब हीटिंग हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ट्रीटिंग द बेंजीन विद मिथाइल क्लोराइड, व्हाट आई विल गेट टोलुइन, यहां पर CH3 एंड HCl। ठीक है, अब इस टोलुइन, दिस इज टोलुइन,
इस टोलुइन को आई विल बी नाइट्रेटिंग, सो दैट मीन्स आई विल बी डूइंग नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन. दैट मीन्स कैसे करूंगी, आई विल एड टू दिस टोलुइन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 at a temperature of about 323 to 333 Kelvin. तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा पैरा नाइट्रो टोलुइन प्लस ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन. ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन, सो दिस इज ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन एंड दिस इज पैरा नाइट्रो टोलुइन. ठीक है, सो जब मैंने नाइट्रेशन की टोलुइन की तो मुझे दो कंपाउंड्स मिले, पैरा नाइट्रो टोलुइन और ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन. अब इस जो दो मिक्सचर्स मुझे मिले हैं पैरा नाइट्रो टोलुइन और ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन का, मैं उनको फ्रैक्शनल डिस्टिल कर दूंगी. दैट मीन्स नाउ आई विल बी डूइंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है, और मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मेरा डिजायर्ड कंपाउंड पैरा नाइट्रो टोलुइन. So this is para nitro toluene. ठीक है, so this is the conversion of benzene into para nitro toluene. सबसे पहले alkylation किया, कैसे, by treating benzene with methyl chloride in the presence of anhydrous aluminium chloride to form toluene plus HCl. So this toluene को मैंने nitrate किया, that means I did nitration of toluene in by adding concentrated HNO3 and H2SO4 which formed my two mixtures of the compound paranitrotoluene and orthonitrotoluene. Ab is paranitrotoluene and orthonitrotoluene ko mere ko separate karna hai, so I will be doing separation by fractional distillation which will give my desired compound which is paranitrotoluene. I hope this conversion is very much clear to you all. Please pen down this conversion in your notebook. I will be doing the last and fourth most conversion of benzene into acetophenone. So please pen down all these things. ठीक है? ठीक है, सो फोर्थ क्या है मेरे पास में, आई हैव टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसिटोफोन एसिटोफिनोन. याद रखिएगा यहाँ पर इस रिएक्शन, जिससे मैंने आपको बताया जब मैंने बेंजीन को पैरानाइट्रोटोलुइन में किया तो हमने क्या किया था, एल्काइलेशन किया था. अगर मुझे बेंजीन को एसिटोफिनोन में चेंज करना होगा तो इन दिस कन्वर्जन वी विल बी डूइंग एसाइलेशन. ठीक है, एक बार देखिए, ये है मेरा बेंजीन. ओके, दिस इज बेंजीन, इसको मैंने ट्रीट किया है मीथेनॉइल क्लोराइड के साथ में, CH3COCl, इट इज मीथेनॉइल क्लोराइड. ठीक है, इसकी कन्वर्जन इन द प्रेजेंस ऑफ, आफ्टर मैंने बेंजीन को ट्रीट किया मीथेनॉइल क्लोराइड के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड विच गिव्स मी एसिटोफिनोन COCH3 प्लस HCl. सो दिस इज माई एसिटोफिनोन एंड दिस इज द एल्काइलेशन रिएक्शन. ये कौन सा रिएक्शन है, इट इज एल्काइलेशन रिएक्शन बिकॉज इसमें हमने एल्काइल क्लोराइड लिया था, इसमें हमने क्या लिया, एल्केनॉइल क्लोराइड लिया है, उसमें मिथाइल क्लोराइड लिया था, इसमें हमने लिया है मीथेनॉइल क्लोराइड. ठीक है, सो द डिफरेंस इज बिटवीन द एल्काइल एंड एल्केनॉइल. जहां एल्केनॉइल हम यूज कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर डूइंग द एसाइलेशन रिएक्शन एंड व्हेन वी आर टेकिंग द एल्काइल क्लोराइड दैट मीन्स वी आर डूइंग द एल्काइलेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपाउंड. फाइन, सो दिस इज हाउ द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू एसिटोफिनोन टेक्स प्लेस विद द प्रोसेस ऑफ एसाइलेशन. आई होप दीज फोर
four conversions of benzene into para-nitrobromobenzene, metanitrochlorobenzene, para-nitrochlorobenzene, acetophenone is very much clear to you. These were the simple conversions of benzene into these are the following parts, into the following compounds. But still, if you are having any doubt regarding the conversions of benzene into these are the following parts, then please don't hesitate in asking your doubts and do write your doubts in the space given below. Don't forget to watch the next video for the next question of this chapter and do subscribe us. Well, this brings me to the end of the session and it's me, Rocky, saying you all goodbye.